क्यों हमने ये कफन पहनी है और अपने सीने में खिलाज लिखे, क्योंकि यानी कोई अफगान को इंसान नहीं समझते। ये 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए कि हम यहाँ पे रह गए। कोई हमसे नहीं पूछता कि हम क्या चाहते हैं, क्यों हमने ये कफन पहनी है और अपने सीने में खिलाज लिखे, क्योंकि यानी कोई अफगान को इंसान नहीं समझते। चालीस साल हो गए कि अफगानिस्तान में जंग था, यानी जब हम सुबह काम पे चले जाते यूनिवर्सिटी में, हमने अपने माँ बाप को कहते कि शायद हम शाम पे घर ना आ सकते। जिस यूनिवर्सिटी में मैं यानी दर्स यानी मैं एजुकेशन कर रही थी, उसमें 2 बार यानी बम ब्लास्टिंग हो गया था। यानी आप एहसास करें जब आपको ख्याल आ जाए कि यानी जिस यूनिवर्सिटी में आपकी बहन माँ काम कर रही थी या एजुकेशन कर रही थी, वहाँ में बम ब्लास्टिंग हो गया और आप वहाँ पे जाएंगे, सारी जगह खून होगा, आपके भाई का या बहन का एक पार्ट आपको मिल जाए, दूसरा पार्ट नहीं मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। यानी इस 40 साल में यानी मैं यानी जंग था जब मैं यानी पैदा हो गया और अभी मैं यहाँ पाकिस्तान में आ गया हूँ, यानी 25 ईयर्स मेरा है। यानी इस सारे सालों में मैंने यानी सिर्फ जंग तजुर्बा किया है। तालिबान आए थे, हम लोग स्कूल में थे और वहाँ से भाग कर हम लोग घर गए थे और सब लोग डरते थे कि लड़कियों को लेकर जाएगी वो लोग, और बहुत लड़कियों को भी लेकर गए थे वो लोग अपने साथ, और सब घर में बैठे थे, कोई भी बाहर नहीं जाते थे, बोलते थे तालिबान है हम लोग को मार डालेगी। अपने लिए निकाह करते थे और अपने पास रखते। बॉर्डर तरीके से, पहाड़ी तरीके से, हर तरीके से लोग इधर आ चुके हैं। हम लोग एक्चुअली ये तोरखम बॉर्डर से आए थे तो पासपोर्ट वगैरह लेकर, लेकिन हमारा लोग जो थे हम लोग खुद बाकायदा ये पासपोर्ट लेकर इधर पहुंच गए, लेकिन हमारे लोग इधर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया हुआ है, बहुत मुश्किल से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। जब हम आए थे हम पेशावर में रहते थे, वहाँ पे फैज़ाबाद में हमने घर लिया था, यूनिसियार में हमने केस सब किया, शॉर्प दफ्तर पे चले गए और वहाँ से हम यहाँ इस्लामाबाद एक दिन के लिए आया, पुलिस रजिस्ट्रेशन किया, फिर हमको यानी यूनिसियार ने जवाब दे दिया कि वो लोग हमारे लिए कुछ काम नहीं कर सकते, हम खुद वकील ले लें, पैसे मसरफ करें और ख़ुद अपने केस यानी कामयाब करें। जब ये बात हमने सुन लिया तो बहुत यानी हमको खफा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान भी जब हमारे वीज़ा ख़त्म हो गया तो हमको यानी घर नहीं मिलता, सिम कार्ड नहीं मिलता, बच्चों तक दर्स नहीं, स्कूल नहीं जा सकते। जितना वहाँ पैसे थे वो सब खा गए हम लोग वहीं से, अफगानिस्तान से जितना पैसे थे हमारे साथ वही पैसे हम लोग गुजारा करके यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे तो जब से हम लोग आए हैं बहुत हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है। हम अब हमारी अम्मी वहाँ पे काम करके चाय बेचते हैं और इसी से हम लोग अपनी रात दिन गुजारते हैं।